राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार, जहां मध्य प्रदेश में पुनः सरकार बनी, वहीं राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में वहां के जनता ने भरपूर समर्थन देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। माननीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के रणनीति के और असंख्य कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए, संगठन के कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के नेतृत्व में आज पुनः राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम ने यह बताया है कि भारतीय जनता पार्टी देश की समग्र विकास को प्राथमिकता देकर नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जो आगे बढ़ रहा है उसके साथ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते असंख्य कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच संवाद स्थापित कर जनता के उन योजनाओं को जो माननीय प्रधानमंत्री जी जन जन तक पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर कार्य कर रहे हैं, धरातल पर उतारने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और यही परिणाम इस बात को दिखाता है कि देश विकास चाहता है, देश अपना भविष्य चाहता है और देश के समस्त नागरिक चाहते हैं कि भारत समग्र विकास के दृष्टि से आगे बढ़ते हुए 2047 को, इस देश को हम परम वैभव के शिखर पर और विकसित भारत राष्ट्र के रूप में देखें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से देश के लोगों को आह्वान किया है और एक गारंटी दी है कि देश के समस्त नागरिक हमारे परिवार हैं और परिवारजनों का ध्यान रखना और इस देश का नेतृत्व करने का जो दायित्व है बखूबी निभाकर देश को सशक्त राष्ट्र के रूप में, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में और 2047 में विकसित भारत के रूप में बनाने का सारे उपाय अपने दृढ़ संकल्प होकर पूरा करने का लक्ष्य को लेकर आगे लगातार बढ़ते रहेंगे। तो यह जो जीत है, यह जीत जनता की और माननीय कुशल नेतृत्वकर्ता नरेंद्र भाई मोदी, हमारे रणनीतिकार अमित शाह और असंख्य कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन लोगों के अथक परिश्रम से हम ऐसे उपलब्धियों को हासिल कर रहे हैं, मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने अपने राज्य में इस जीत को सुनिश्चित करते हुए, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी को नई विश्वास दिया है और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से डबल इंजन के सरकार के रूप में राज्य में कार्य करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश को वैभव शिखर, परम वैभव के शिखर पर ले जाएंगे।